इजराइल की सेना ने हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आरपीजी, हैंड ग्रेनेड से लेकर एंटी क्राफ्ट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल कई खतरनाक हथियार मिले हैं। अब इजराइल दरअसल ये मानने लगा है कि हमास का ईरानी गोदाम एक्टिव हो चुका है। ईरानी गोदाम क्या है? ईरानी गोदाम यानी कि हथियारों की सप्लाई का वो एटीएम जो हमास के लिए 2400 घंटे काम करता है। लेकिन इसी गोदाम को लेकर अब सब कहने लगे हैं कि अगर ईरान ने एक भी इशारा कर दिया तो ये युद्ध पश्चिमी एशिया से निकलकर यूरोप तक फैल सकता है। इसराइल पर हमास के अटैक के पीछे ईरान था, इसके सबूत मिल गए हैं। ईरान ने हमास को पहुंचाया था मार काट का सामान, इसके प्रमाण मिल गए हैं। इसराइल में मौत बांटने के लिए हमास को ईरान ने हथियार मुहैया कराया था, इसका प्रूफ सामने आ गया है। इसराइल में नरसंहार के लिए ईरान ने कौन कौन से हथियारों की सप्लाई की थी, इसका कच्चा चिट्ठा इसराइल को मिल गया है। हमास ने हमले में थर्मोबैरिक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जिस पर मेड इन ईरान की मोहर लगी है। हमले में हमास के लड़ाकों ने जिस AK-47 की गोलियां बरसाई थी वो हमास को ईरान से मिली थी। मोर्टार रॉकेट से हमास ने इसराइल में आग लगाई थी, वो सभी मोर्टार रॉकेट ईरान में बने थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल के लिए जुटाए गए हथियार, हथगोले, विस्फोटक, टाइमर और आत्मघाती ड्रोन पर भी मेड इन ईरान की मोहर लगी थी। इसराइल की सेना ने हमले की जगह और आसपास से उन हथियारों का हिस्सा बरामद किया है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में हुआ था। इसराइल की सेना का दावा है कि ये हथियार हमास ने तैयार नहीं किए हैं। इनमें से अधिकतर हथियार ईरान से मिले हैं और कुछ उत्तर कोरिया से मिले हैं। ये वीडियो उन्हीं हथियारों के हैं। इन हथियारों को इसराइल की सेना ने गाजा में सीज किया है। इन हथियारों में आरपीजी है, इनमें हैंड ग्रेनेड है, इनमें एंटी क्राफ्ट लॉन्चर है, इसमें एंटी टैंक मिसाइल है। साथ ही इस जखीरे में एंटी टैंक माइंस भी बरामद हुई हैं। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के लिए किया गया। जहां इन हथियारों को इसराइल की सेना ने रखा है वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची तो क्या क्या देखा, इसे देख लीजिए। हमास के सिर्फ 2-3% हथियार यहाँ है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को कत्ले या मैसेकर के लिए किया गया था। इन हथियारों से हमारे साथ IDF के बड़े अधिकारी जी भी हैं, वो आपको बताएंगे एक एक करके कि क्या कुछ है। मिस्टर जी, टेल मी, व्हाट इज दिस एंटीक्राफ्ट? दिस इज एन एंटीक्राफ्ट मिसाइल कॉल्ड SA-7 स्ट्रेला। ये एंटीक्राफ्ट मिसाइल है, अगर एंटीक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट को गिराना है तो इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ इसराइल की सेना ने हमास को मिले थर्मोबैरिक ग्रेनेड भी दिखाए। इसराइल का दावा है कि हमास ने थर्मोबैरिक ग्रेनेड को घरों में फेंका था जिससे कुछ ही सेकंड में घरों को जला दिया गया। इसराइली सैनिकों ने ईरान में बनी मोर्टार रॉकेट भी बरामद की हैं। Here is a different type of explosives of charges. For example, this one here is a thermobaric grenade that was used to burn rooms inside the houses. They use the timed detonator that is screwed here. Just pull out the safety, throw this into a room, close the door, shut, and it takes the temperature inside the room to 3000 degrees during the explosion.
burns, incinerates everything inside the room. Nothing comes out. We've seen many of those being used, and we collected many of those weren't used in the field. इजराइल की सेना का दावा है कि गाजा से जो हथियार मिले हैं उससे साफ होता है कि ईरान हमले की प्लानिंग में शामिल था। इजराइल की सेना के मुताबिक ईरान ने हमास को घातक हथियारों की सप्लाई की। हथियार मिलने के बाद इजराइल पर हमले की साजिश रची गई और 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में जानलेवा हमला किया गया जिसमें 1400 लोग मारे गए। You should notice the sheer amount of launchers. Though this type of equipment is being used in the field to hurt tanks and personnel carriers, but those were used in the, during the attack on houses, on the kindergarten that we've seen in schools. We see here the different types of rockets that were used. गाजा की इस बदहाली के लिए वैसे तो कई वजहें जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बड़ी और असल वजह ऐसी है जिसने गाजा के इस भयानक सच की बुनियाद रख दी, और वो वजह है 7 अक्टूबर का वो आखिरी संदेश। हमास के आतंकियों ने इसी दिन इजराइल में घुसकर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जो मिला उसे मार दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, कोई भी उनकी दरिंदगी से नहीं बच सका। आतंकियों के सामने पड़े जिन कुछ लोगों की जान बच भी गई वो बंधक बना लिए गए, और उसके बाद जो हुआ उसका खामियाजा गाजा के लोग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट भुगत रहे हैं। हमास के एक कमांडर ने बड़ा पर्दाफाश किया है और कहा है कि ये सब कुछ शायद नहीं होता अगर वो आखिरी आदेश ना आता, जिसे हमास के 2 आकाओं ने अपने आतंकियों को आखिरी वक्त में दिया, वो आदेश जिसने पूरे प्लान को ही पलट दिया। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक हमास के कमांडर अबू मोहम्मद ने माना कि हमारा प्लान सिर्फ इजराइल के कुछ सैनिकों को अगवा करने का था, लेकिन हमले से कुछ मिनट पहले ही हमारे चीफ ने प्लान बदल दिया और इजराइल में कत्लेआम का आदेश दे दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमास ने हमले की योजना बनाकर 2 साल तक इसकी तैयारी की। उसने ये हथियार गाजा की भूमिगत सुरंगों में जमा किए थे। हमास कमांडरों ने बम बनाने की फैक्ट्रियां बना रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हुए नक्शे भी बनाए। इसके बाद वो बहुत खुफिया तरीके से इजराइल की सीमा में दाखिल हुए और इसके बाद उन्होंने अपनी हैवानियत को अंजाम दिया। इस तरह के ग्रेनेड घरों में फेंके गए, जब घरों से लोग बाहर नहीं निकले तो इस तरह के ग्रेनेड फेंका गया, और बड़े बड़े घर जो कि नीरोज में बात करें, किफुसीम में बात करें, बेरी में बात करें, रेम में बात करें, वहाँ इस तरह के बड़े बड़े ग्रेनेड फेंके गए। और व्हाट इज दिस, दीज आर ग्रेनेड्स ऑल्सो, दिस इज एन आरपीजी वॉरहेड, आरपीजी वॉरहेड विद एन अटैचमेंट मैकेनिज्म, ओके, इन ऑर्डर टू पुट इन प्लेस ऑन द टैंक, टू अटैच इट टू द टैंक एंड टू Just initiated. तो घर में जब उड़ाना था, प्लीज वेट मिस्टर जी, जब घर को उड़ाना था तो इसे लगाते थे और इसे उड़ा दिया जाता था। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि इजराइल में घुसे हमास के हमलावर 500 आरपीजी, लगभग 200 आईईडी और 1000 से अधिक AK-47 से लैस थे, जिनसे हमास के लड़ाकों ने अंधाधुंध हमला किया। इजराइल ने दावा किया है कि आरपीजी और छोटी मिसाइलें उत्तर कोरिया में बनाई गई थी, जो है लेकर आए थे हमास के आतंकवादी सैकड़ों हजारों की संख्या में, ये नॉर्थ कोरिया में बनाए, नॉर्थ कोरिया, या नॉर्थ कोरिया एंटी पर्सन आरपीजी एंड रशियन मेड। व्हाट इज रशियन मेड हियर, ओवर देयर वी हैव RPG-7 ओरिजिनली मेड इन द सोवियत यूनियन। आपको बता दें ये सोवियत यूनियन में बना, 80 के दशक में आरपीजी, मौजूदा रूस में नहीं, ये कहना है। व्हाट आर दिस, दिस इज RPG-7VR होममेड बाय हमास। यू कैन, ये होम, देखिए ये होममेड है, हमास ने बनाया है, तमाम जानकारी हमारे साथ दे रहे हैं। ये हमास का RPG-7VR, ये अरबी में लिखा है। यही वजह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कर इजराइल में मौत बांटने वाली नुकबा फोर्स का इजराइल ने सफाया कर दिया है। पहले हवाई हमला और अब ग्राउंड ऑपरेशन कर इजराइल ने हमास के नुकबा फोर्स की कमर तोड़ दी है। हमास के नुकबा फोर्स ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले को लीड किया था। ऐसे में इजरायली सेना लगातार इसके कमांडरों की तलाश में थी। इजराइल का दावा है कि नुकबा के टॉप कमांडरों ने ही 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल पर हमला कर सभी को मार डालने और घरों को जलाने का फरमान सुनाया था। नुकबा फोर्स हमास की स्पेशल मिलिट्री यूनिट है। आरोप है
कि अल कासम ब्रिगेड के साथ मिलकर नोकबा फोर्स के लड़ाकों ने भी इसराइल में कोहराम मचा दिया था। इसी वजह से इसराइल की सेना के निशाने पर इस स्पेशल मिलिट्री यूनिट के ठिकाने थे, जिन्हें ध्वस्त करने के लिए वो लगातार हवाई हमले कर रहा था। और अब जमीनी हमले में नचाबा फोर्स के कमांडरों का काम तमाम कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सैनिकों ने एक जमीनी ऑपरेशन में नोखबा कंपनी कमांडर अहमद मूसा और नोखबा प्लाटून कमांडर अम्र अल हांडी को मार दिया है। नोखबा एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसमें शामिल लड़ाकों का चुनाव हमास के सीनियर कमांडरों की एक कमेटी करती है। इस फोर्स के लड़ाके दुश्मन पर घात लगाकर अटैक करने, सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने, एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से हमला करने में माहिर होते हैं। दावा यह भी है कि नचाबा फोर्स के लड़ाके हमास के बड़े नेताओं को सुरक्षा देने का काम करते थे। अब इसराइल की सेना बहुत बेरहमी और क्रूरता के साथ हमास का सर्वनाश कर रही है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान गाजा पट्टी के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है।